हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में यहाँ पे हम सिक्किम जाने वाले हैं और वहाँ जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल का नज़ारा। यहाँ पर बरसात हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं बरसात में आपका भाई पूरा मस्ती के साथ वीडियो बना रहा है। यहाँ पर अभी अभी बारिश हुई है दोस्तों, और देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्लेटफॉर्म का नज़ारा पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिफ्ट से हम लोग जाने वाले हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, जहाँ पे हम लोगों का ट्रेन आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट का बटन हमने दबा दिया है और यहाँ पे लिफ्ट आने वाली है और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग का ट्रेन आया है। तो फिलहाल अभी हमने ग्राउंड का बटन टिप दिया है और यहाँ पर देखिए क्या ट्रेन आता है या भोसड़ी वाला नहीं आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिफ्ट आ गया है और हम लोग अंदर आ गए हैं। तोरे पीछे नहीं हो देखा ना, अरे पीछे नहीं हो देखा ना दाया, अरे निकू अंकल भी रही हो देखा ना। तो भाई जो लिफ्ट चला ना हो रुका लो रे यार, तक ग्राउंड कर ही ना बे यार, ला तेरी भाग के रे अटक गली वाला हमनी दे दे रख के और फिर आके भाई जो एक नंबर जाए में था तेरी लगाई हो भाई कभी कभी फट गलो ये ऊपर भागे लगलो ले हो गलो भाई जो दादा गलो जा गेट में ना खुली तो कहने से खुलती रे और तेरा हेलो आया देखें जी एक पेन है यहां पर फाइनली खुल चुका है गेट और हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेन अपनी जगह पे प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे दोस्तों आ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं आप लोग ट्रेन आ चुकी है और दोस्तों ट्रेन में सो जाने के कारण मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं दिखा पाया। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा केला का दोस्तों पूरा बगीचा लगाया गया है, यहाँ पे केला का खेती होता है दोस्तों। और ये सीन मैं पूरा ट्रेन से ले रहा हूँ और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं केला का खेती कितना बेहतरीन तरीका से होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा जो आपको दिख रहा है दोस्तों, जो खेतों में हरा भरा दिख रहा है दोस्तों, वो पूरा चाय का बागान है और यहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है दोस्तों। पूरा आप लोग को जो दिख रहा है वो पूरा चाय का बागान है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमसे पहले भूखण महाराज चाय ले चुके हैं और भैया अब हमारे लिए चाय लगा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग सो के उठे हैं, जस्ट अभी मॉर्निंग हुआ है दोस्तों और ये हमें भी चाय मिल गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा नदी का सीन है दोस्तों। और दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी सफ़र करना तो विंडो सीट पे ही अपना टिकट, कोशिश करना कि मेरा सीट विंडो टिकट पर ही मिले, क्योंकि यहाँ पर देखते हुए जाने में नज़ारा बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। विंडो सीट पर बैठने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। हेलो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग कटिहार जंक्शन पे हैं अभी और यहाँ पे हम लोग खाना लेने के लिए आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खाना मिल चुका है जो कि पेपर में है। यहाँ पे देख सकते हैं और आपका भाई दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एसी वाला ट्रेन में भी गेट पर का मज़ा ले रहा है, हवा चलता है तो एकदम हीरो वाला फील होता है। ओहो, पापा की परी वो भी पियर फराक में दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये टॉकिंग कर। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग सिल्लीगुड़ी जंक्शन पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा सिल्लीगुड़ी का नज़ारा, सिल्लीगुड़ी जंक्शन जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ट्रेन रुकने वाली है और हम लोग यहाँ से अब उतरेंगे और जाएंगे सिल्लीगुड़ी जंक्शन पर दोस्तों। देख सकते हैं काफ़ी पुराना ट्रेन है जो कि लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दादा दादी खाना खाते हुए दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं शुभम का प्लेट लग चुका है दोस्तों, मेरा प्लेट अभी तक नहीं लगा है और यहाँ पे मेरा प्लेट आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरा भी लग चुका है और यहाँ पे खाने की कोशिश।
पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सिलीगुड़ी का मार्केट है। तो यही वो बस है जिससे हम सिक्किम जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बस के अंदर। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे जंगल, पहाड़, नदी, झील वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, नज़ारा का आनंद आप लोग लेते रहिए दोस्तों, और आगे वीडियो में बहुत सारा फन होने वाला है दोस्तों। तो नज़ारा के बाद आप लोगों को पूरा मस्ती भरा वीडियो मिलेगा दोस्तों, तो ज़रूर देखें। और कैसा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी हो दोस्तों, तुम रगड़ के करिए, तुम दिल खुश कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं होटल में हम लोग रुके हुए हैं, और ये देखिए पूरा व्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शुभम कुमार अपना जंघिया सुखाते हुए, देखिए जंघिया सुख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहारी जुगाड़, पंखा में सुख रहा है शुभम कुमार का लंगोटा। अब वो वाला ज्यादा तेज चलता है, उसमें लटका दे। ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, कुछ चूतिये लोग के द्वारा हमारा जूता को पंखा में लटका दिया गया। और वो चूतिया ये वो ये है नुतुंदा के बेटा, ये बड़ी खुराफाती लड़का है। अंदर से बेचारा खाली राड़ दिखता है, अंदर तो राड़ दिखता नहीं, अंदर से राड़ है ना। हेलो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं पड़ रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा बादल फट चुका है, यहाँ पे पानी पड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीधा अब हम चले भैया वापस अपने बिहार।
बहुत मज़ा आया ये सुंदर दृश्य देखकर, और जो खासकर जो पहाड़ पर लंबी लंबी पेड़े हैं तो यहाँ उन्हें देखने का मजा ही कुछ और। घूमकर अपने वापस अपने बिहार जा रहे हैं। मुझे सिक्किम काफ़ी अच्छा लगा, इस बार तो मुझे घूमने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। अगली बार आऊँगा तो पूरा सिक्किम घूमूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, और पूरा यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में जो भी बढ़िया बढ़िया सीन है सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है दोस्तों, और ये देख सकते हैं सुबह में अब हम लोग वापस जाने वाले हैं बिहार। तो चलिए, यहाँ पर नेपाल के लोग तो ज़्यादा मिले लेकिन काफ़ी अच्छे होते हैं सब लोग, बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं बाहरी लोगों का। तो नेपाली लोगों को भी दिल से सैल्यूट, आई लव इंडिया एंड